अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मजे में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैंने ना केक को बेसिक सा फ्रॉस्ट कर लिया, इसके ऊपर डेकोरेशन करूंगी और फिर आज की वीडियो में ही आपसे शेयर करूंगी। बेकिंग क्लास 2 में मैंने आपको सिखाया था वेनिला केक, और फिर ये आज थर्ड बेकिंग क्लास है। इसमें हमने बनानी है फ्रॉस्टिंग, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। इसके साथ मेरी बहुत सी यादें हैं और अपने बिजनेस के लिए ज्यादातर मैंने इसी फ्रॉस्टिंग को यूज किया है। असल में इसकी बात मजे की है कि एक तो इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, और इसको वॉल्यूम देता है मैदा। मैदे से बनती है ये फ्रॉस्टिंग, और इसमें फिर ढेर सारा बटर, ढेर सारी शुगर भी यूज नहीं होती है। तो ये मैदे से बनती है और दूध से बनती है, ज्यादातर बटर यूज होता है, शुगर लेकिन कम क्वांटिटी में। तो जिन लोगों को बहुत मीठी फ्रॉस्टिंग नहीं खानी है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा बटर नहीं खाना, तो वो ये वाली फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। तो बिजनेस के लिए तो बहुत ही जबरदस्त रहती है, बहुत प्यारे इससे जो है ना केक पे फ्लावर्स बनते हैं, डिजाइंस बनते हैं, और मजाल है कि आपकी ये क्रीम बह जाए, बहुत अच्छी है। और वो जो ग्रिटीनेस होती है ना, जैसे अमेरिकन बटर क्रीम है उसमें आप पाउडर्ड शुगर डालते हैं और फिर भी वो ऐसे ग्रिटी सी लगती है, मुंह में टेस्ट आता है चीनी का, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे लगेगा कि बस आपने कोई क्रीमी सी एक चीज है, ड्रीमी सी, वो आप जो है वो केक के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इसमें हमें पाउडर शुगर डालने की भी जरूरत नहीं, इसमें हमने आम चीनी डालनी है और वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, वो हम आगे आपसे शेयर करेंगे। तो इस फ्रॉस्टिंग को बना के आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रॉस्ट करने के लिए आपको पहले इसको रूम टेम्परेचर पे लाना होगा और फिर आपको फ्रॉस्टिंग करनी होगी। फ्रीज मैंने कभी नहीं करके देखा, फ्रीजर के लिए मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप बना बना के फ्रॉस्टिंग्स को फ्रीज करें, क्योंकि जितना मर्जी कई फ्रॉस्टिंग्स ऐसी होती जिनको फ्रीज किया जाता है लेकिन उसके बावजूद जब उनको निकाला जाता है ना, तो उनकी वो बात नहीं रहती। अगर टेक्स्चर सेम भी रह जाए तो उनका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो चुका होता है। इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपनी फ्रॉस्टिंग्स को फ्रीज करें, या आपने केक्स को अगर आपने बिजनेस के लिए यूज करना है तो फ्रीज करें, नो, फ्रेश बनाएं और डिलीवर करवा दें। तो यही तरीका सही रहता है, कस्टमर्स जो है वो ये चीजें बहुत नोट करते हैं और उन्होंने पे किया होता है, तो उनको ये चीज नहीं चाहिए होती कि वो फ्रिज में पड़ा हुआ केक 2-3 दिन का तो फिर फ्रॉस्ट होकर उनको मिल गया, या फ्रीजर में से निकाला है तो उसकी वो मॉइस्ट उस तरह का वो नहीं रहता, उस तरह का सॉफ्ट नहीं रहता, थोड़ा सा टेक्स्चर में चेंज आता है, तो वो चीज जो है कस्टमर्स को नहीं चाहिए होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं ये और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो चलें जी, आज हम फ्रॉस्टिंग पका के बनाएंगे और बनाएंगे मैदे से। अभी आप देखते जाएं और इसका क्या टेस्ट होता है, क्या कमाल की सुपर फ्लफी सॉफ्ट होती है। दूध लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है मैदा और इसको मैंने कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है और पका लेना है। अच्छी तरह मिक्स हो गया, लंप फ्री हो गया ना, तो फिर मैंने विस्क को चेंज करके तो स्पून ले लिया, आपकी चॉइस है, और इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। मैदा पहले अलहदा से भूनने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली जो मेथड है उसको आपने फॉलो करना है, इसी तरह ये कुक हो जाएगा। बस मैं इसको पकाती जा रही हूँ, ये थिक हो जाएगी अच्छे से, तो फिर बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखेंगे रेडी हो गई है, कितनी थिक सी है। तो बस ये इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, किसी कंटेनर में डाल दें और कवर करके रख दें, या इसी पैन में आप कवर करके इसको रख दें अच्छी तरह। रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है और तब तक रखना है जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उतनी देर में मैंने लिया है जी रूम टेम्परेचर बटर, ठीक है, बटर निकाल के रखा हुआ था, उसकी छोटी छोटी क्यूब्स बना ली थी ताकि रूम टेम्परेचर पे हो जाए, तो उसको हम कर रहे हैं बीट। और साथ में नॉर्मल जो शुगर होती, ग्रैन्यूलेटेड शुगर, मैंने लिखा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत क्वेश्चन आए थे कि ये कौन सी शुगर होती है, तो ये आम चीनी होती है जो हम चाय में डालते हैं ना, टेबल शुगर भी जिसको कहते हैं, ये वो चीनी है। एक होती है पाउडर्ड शुगर, एक होती है आइसिंग शुगर, दोनों सेम होती है, आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डला होता है, ठीक है, और एक होती है ये ग्रैन्यूलेटेड शुगर। अच्छा, अब हमने इसको इतना बीट करना है कि देखें इसका कलर कितना लाइट हो गया। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, इस वक्त शुगर बिल्कुल भी इसमें डिसॉल्व नहीं हुई होगी, क्योंकि शुगर पानी या लिक्विड में डिसॉल्व होती है, बटर में या ऑयल में डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। सो अभी बिल्कुल ग्रेनी सा वो मिक्सचर है। अच्छा जी, ये देखें रूम टेम्परेचर पर आ गया है ना ये मैदा, तो कितना सख्त सा था, और इसको हमने बीट करना है अब वेनिला के साथ। चूँ ही हम इसमें वेनिला एसेंस लिक्विड वाला डालेंगे ना, तो साथ ही ये बीट होते होते क्रीमी सा हो जाएगा लेकिन काफी थिक होगा। ये देखिए, ये वाला सारा पार्ट मैंने इसीलिए कट नहीं किया ताकि आप देख सकें कि किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। बहुत इजी है बनानी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, तो फिर उसके अंदर हम ये डाल देंगे बटर और शुगर वाला
मिक्सचर। ये देखें इसमें चीनी आपको फील हो रही है ना, लेकिन अब इसको चूंकि मैदा मिल गया है और वाटर वाला बेस्ड वाटर बेस्ड मीडियम मिल गया, तो अब ये चीनी डिजॉल्व होनी शुरू होगी थोड़ी थोड़ी और आगे मज़ीद डिजॉल्व होती चली जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये देखें काफ़ी थिक है ना अभी, ये देखें तो हम लगाएंगे केक पे तो वो केक भी हैवी सा लगेगा और ये थिक सी लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करते जाना है, ठंडा दूध ऐड नहीं करना। अब ये वाला दूध जो है ना ये बाकी की कमी पूरी कर देगा शुगर जो है अच्छी तरह डिजॉल्व करने में। बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस आपके जो ये फ्रॉस्टिंग होगी इसमें शुगर का एक भी आपको ग्रेन फील नहीं होगा, इतनी क्रीमी और स्मूद है दूध। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, एकदम से आपने आधा कप या 1/4 कप नहीं डाल देना है। मेरा तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। आप इसको स्पैचुला से ना चेक करते जाएं कि जब ये आपको लगे कि हाँ केक्स पे इस टेक्सचर की क्रीम लगी होती है तो इसका मतलब है कि वो आपकी कंसिस्टेंसी बेस्ट है। ये देखिए मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ी सी कसर रहती है इसमें, तो थोड़ा थोड़ा सा और इसमें मैं दूध डालती जाऊँगी और बाद में मैं इसको रेडी कर लूँगी। क्रीम हो गई है रेडी और अब हम केक को फ्रॉस्ट कर लेते हैं। ये जो वही वेनिला केक है जो मैंने बनाया था, मैंने इसके बिल्कुल भी किनारे वगैरह कट नहीं किए या ऊपर जो छोटा सा डोम बन जाता है उसको भी मैंने कट नहीं किया, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको दिखाने के लिए घर के लिए बनाना है और बस उसके बाद ये केक जो है वो हमने खुद ही खा लेना है। बस इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाते जाएंगे और शुगर सिरप आपके पास है तो वो लगाते जाएं। वैसे मैं अभी लगा रही हूँ वरना मेरी प्रेफरेंस नहीं होती शुगर सिरप लगाना, उसके बगैर हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन ज़ाहिर है आपने कस्टमर्स को देना तो वो शुगर सिरप पसंद करते हैं लोग, सॉफ्ट सा ना मॉइस्ट सा केक बिल्कुल। फ्रॉस्टिंग हम सारी साइड पर भी लगा लेंगे। बहुत मज़े की ये क्रीम बनती है, आपने ये फ्रॉस्टिंग ज़रूर ट्राई करनी है। और ये ना बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो अमेरिकन बटर क्रीम होती है जो मैंने आपको मिशारी के बर्थडे पे करके बना के दिखाई थी उसमें सिर्फ होता है बटर और शुगर, तो आप ख़ुद सोच लें उसमें शुगर कम डालें तो ऐसे बटर बटर सा खाता हुआ फील होता है, और शुगर बहुत ज़्यादा डालें तो जाके वो बैलेंस होता है, लेकिन टू स्वीट होती है वो नॉर्मल ना हमारे टूथ के लिए। तो ये जो है ना इसकी बहुत ज़बरदस्त सी इसकी स्वीटनेस है ना, ये ज्यादा स्वीट है और मजे की बात ये कि बटर भी ज्यादा यूज नहीं हुआ, ज्यादा काम मैदे ने कर दिया। अच्छा जी, इसको मैंने क्रम कोटिंग कर दी है और इसके बाद मैं इसे रख दिया ऐसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर फिर दोबारा थोड़ी सी कोटिंग कर दी थी। और इतना मुझे भी अरसा हो गया ना इस तरह से केक डेकोरेट करते हुए, तो प्रॉपर नीटनेस में काफी टाइम लग रहा था, सो आई जस्ट इग्नोर दैट। मैंने कहा कि आपको डेकोरेट करके दिखा देती हूँ और बस वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो जो जो भी मुझे कलर मिले थे ना, मैं गई थी टेवोला तो वहाँ से जो जो भी कलर्स मिले थे मैं ले आई थी। ज़्यादा डिफरेंट कलर्स होते हैं ना तो फिर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ही प्यारे बनते हैं, लेकिन खैर मुझे ये केक भी बहुत पसंद आया था, इतने अरसे के बाद मैं बना रही थी और बस मज़ा आया बनाने का। डेकोरेशन आप अपनी मर्जी के कर लें, बेसिकली आपको बताने का मकसद यह है कि देखें कितनी अच्छी पाइपिंग होती है इससे, और मजाल है कि ये फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाए या ये बह जाए, या आपने गर्मी में रखी हुई है तो लो जी फ्रॉस्टिंग ख़राब हो गई है, डेकोरेशन ख़राब हो गई, मजाल ही नहीं है, क्योंकि मैदा इसमें ऐसी चीज़ है जो इसको मेल्ट नहीं होने देता और इतनी सॉफ्ट और क्रीमी और सुपर फ्लफी है कि जितनी मैं तारीफ़ करूँ कम है। आप जब ये बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको नौश ने क्या सिखा दिया है। तो ज़रूर इसे ट्राई करें, बिजनेस करना है नहीं करना, अपनी फैमिली के लिए अपने घर के लिए आप इसको अपने बर्थडेज बच्चों वगैरह के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे ना थोड़ा सा हम NKR लिख देते हैं और इसको फिर लास्ट में सबसे मेरे पास जो छोटी वाली नोजल है ना वो मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी कि कितनी नीटनेस है इस फ्रॉस्टिंग की वजह से, क्योंकि इसमें शुगर का एक भी ग्रेन आपको फील नहीं होगा, बिल्कुल क्रीमी सी है, तो जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो ईजीली बन सकते हैं। तो इस वीडियो में जो एड्स आएंगे आई एम सॉरी एड्स के लिए, लेकिन वही मेरी फ़ी होगी, आपके 5 सेकंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलें जी, इतनी अच्छी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को अपने प्यारों से शेयर भी ज़रूर करें ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत का मुझे फल मिल गया। तो ये है जी फाइनल लुक, देखें कितना प्यारा केक लग रहा है और कितनी अच्छी फ्रॉस्टिंग है, इतनी डिटेल में मैंने यह देखें आपको क्लोज़अप्स दिखाए हैं और बिल्कुल भी जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब नहीं होता। Somewhere to hide when we were kids, so we could.
तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट। आप बताएं कैसा लगा है? मुझे तो जो जो कलर्स पसंद है मैंने वो सब मिक्स एंड मैच करके इस पे लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने कोई डिजाइन नहीं सोचा था, मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैंने क्या बनाना है। पर्पज ये था कि मैं आपको सिखाऊं कि ये फ्रॉस्टिंग और इसके यूजेस किस तरह हैं, कितनी आप देखें फाइन डिटेलिंग इससे आप कर सकते हैं। ये एन के आर जो मैंने लिखा है, आप ये अंदाजा करें कि कितना मैंने बारीक बारीक वाला इसे डिजाइन बनाया, वो भी एग्जैक्टली सेम है, ये मेल्ट नहीं हो रही है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप ये फ्रॉस्टिंग जरूर ट्राई करें। और अभी हमसे तो सब्र नहीं हो रहा, हम लोग तो अभी खाने लगे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, रात कहे थे कि केटल लेके जाते हैं और चाय बाहर से बनवाते हैं और साथ में केक खाएंगे। तो हम ही कह रहे हैं ऐसे कैसे ही लेके जाएं, मतलब काट के आपने किसी चीज में नहीं रखना मामा, कंटेनर्स में, नहीं तो खराब हो जाएगा। लेकिन जाहिर है इतना पूरा केक तो नहीं लेके जाएंगे, तो हम ये एंजॉय करते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ अंदर से इसकी लुक कैसी है, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।